आप देख रहे हैं जीके क्लासेस, जिसमें आपको ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिसका नाम है विलियम जेम्स, यह कुछ अपने सिद्धांत दिए हैं। यह सिद्धांत सीटेट 1-5 और 6-8 में अक्सर आता है, एक मास का। तो आप जान लें इसके बारे में। विलियम जेम्स का जन्म 11 जनवरी 1842 यानी 42 में अमेरिका में हुआ था। विलियम जेम्स एक अमीर परिवार में जन्म लिए थे। उसका शारीरिक जो ढांचा था वह कुबर टाइप में थे और कुछ ठीक दिखने में भी अच्छा वह नहीं था। पेट हमेशा खराब ही रहता था। खाना पीना बहुत सोच समझ कर ही खाता था क्योंकि उसका पेट ठीक नहीं था। और वह शादी और पार्टियों में, बर्थडे पार्टी में भी बहुत अक्सर वह अपने घर में ही रहता था। परिवार में सब उसको अक्सर कोचा करता था। लेकिन उसमें पढ़ाई कमज़ोर होने के बाद भी, लेकिन वह उसमें एक गुण था जो वह पेंटिंग का गुण था। पेंटिंग करने में उसको बहुत ही आनंद आता था, लेकिन पेंटिंग पसंद ही नहीं करता था। कोई भी परिवार में उसको पेंटिंग नहीं करता था। उसका दो एक भाई था और एक बहन था। भाई का नाम था हेनरी जेम्स और बहन का नाम था एलिस। वह दोनों पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था, इसीलिए माता पिता उसको अक्सर बहुत प्यार करते थे, लेकिन जेम्स को प्यार नहीं करते थे। वह इस बात से दुखी था कि माता पिता उसको कॉपरेट नहीं करते थे और वह हमेशा अक्सर अपना रूम में ही घुसा घुसा रहता था। जब उसका पिताजी ने देखा कि जो विलियम है वह पढ़ने लिखने भी कमज़ोर है और वह कोई काम अच्छा से कर नहीं पाता है, तो उसने सोचा कि एक उसको एक स्कूल अमेरिका में है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, उसमें उसका दाखिल करा दिया ताकि वह मेडिकल लाइन में कुछ कर सके। कुछ दिन बाद वह स्कूल जाना शुरू कर दिया, लेकिन स्कूल में भी उसको मन नहीं लगने लगा क्योंकि उसका शरीर का, आपने बोला आपने तो अपने शरीर ही मेरा इतना कमज़ोर है, ऊपर से एक और बोझ डाल लिया। वह काफ़ी टेंशन में आ गया और वह स्कूल छोड़कर चला गया। जब घर आने के बाद पिताजी उससे काफ़ी ताना देने लगे, लेकिन वह ताना सुनकर भी रह गया। और एक स्कूल से ट्रिप जा रहा था जंगल के रिसर्च करने के लिए, तो वह उसने सोचा कि यही मौका है उस टीम में शामिल होने का, और वह उस टीम में शामिल हो गया। और शामिल होने के बाद वह जंगल गया, लेकिन दोस्तों ने उसका शरीर और बनावट और उसका पेट खराब के कारण उसका साथ नहीं देने लगा। और कुछ दवाई और कुछ सामान उसको दे दिए और उसी के बीच में उसको स्मॉल पॉक्स हो गया और वह बीमार पड़ गया। कुछ दिन से अपने आप को अपने किसी तरह से वह अपने जीवन को वह व्यतीत कर लिया। उसके बाद कुछ ही दिनों में वह फिर घर वापस आया। घर वापस जो आया उसका पिताजी ने फिर उसको कोचना शुरू कर दिया और बोला जब मरना ही था तो उधर ही मर जाता, फिर घर क्यों आया। इतना सुनने के बाद भी वह चुप रहा और वह अपना कमरा में चला गया। करीब उसका उम्र अभी 30 साल हो चुका था। जीवन में कुछ नहीं कर सका इसलिए वह आत्महत्या करने का फैसला लिया, लेकिन वह कुछ किताब को पढ़ना चाहता था और वह कुछ अच्छा काम करना चाहता था कि मरने से पहले कुछ होता है ना, मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छा कर लें उसके बाद मरना तो है ही। लेकिन वह किताब चार्ल्स पियर्स का था और उसमें से कुछ ऐसे कुछ लेक्चर वह पढ़ा जिसके कारण से उसका मन काफ़ी प्रभावित हुआ और वह बदल गया। वह आत्महत्या करने का फैसला छोड़ दिया और वह सोचा कि एक साल हम अपने आप से अपना जिंदगी से एक साल का मौका लेते हैं और अपने आप को सुधारने का कोशिश करते हैं। अगर इस जीवन में सुधार पाएँ तो ठीक है, नहीं तो इसी दिन नेक्स्ट ईयर हम आत्महत्या कर लेंगे। उसके बाद से अपना सारी जिम्मेदारी अपने आप ऊपर ले लिया और वह जो हार्वर्ड स्कूल में वह दाखिल जो लिया था उसके बाद वह काफ़ी दिनों से वह अपना पढ़ाई के काफ़ी मेहनत से लगन से वह पढ़ने लगा। और कुछ ही दिनों में वह 2-4-10 सालों के अंदर वह अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक के बन गए और उन्होंने आत्मशक्ति को पावर बना लिया, जिसके कारण से वह काफ़ी अमेरिका में चर्चित रूप में टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, इस सब में सभी में विलियम जेम्स छा गई। उन्होंने अमेरिका को अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकोलॉजिकल यह सिद्धांत दिया।